डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय अलीपुर अपने विगत सत्रों के परीक्षा परिणाम को कायम रखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा घोषित बीएड के द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षाफल में सभी विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर इतिहास रचा। फाल्गुनी अग्निहोत्री ने सर्वाधिक 81.4% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर सूर्या त्रिपाठी ने 80.8% अंक और तीसरे स्थान पर रुचि सिंह ने 79% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में सम्मिलित 100 में से 68 बच्चों ने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए, साथ ही न्यूनतम 62.2% रहे। संस्था निदेशक डॉक्टर शीशेंद्र शील विपिन ने सभी को मिष्ठान खिलाकर सभी का मुंह मीठा कराया। संस्थापक प्रबंधक डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुबेश ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परिश्रम और लगन के साथ कोई भी दृढ़ संकल्पित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। महाविद्यालय द्वारा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण संदीप यादव को रेलवे स्टेशन मास्टर के पद पर चयनित होने पर शुभकामनाएं और स्मृति चिन्ह देकर महाविद्यालय परिवार की ओर से सम्मानित किया गया। महाविद्यालय परिवार ने इस अवसर पर संकटहरण शिव मंदिर सकहा और नाथ बाबा मंदिर अलीपुर जाकर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। आगामी सत्रों में श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए कामना की। इस अवसर पर डॉक्टर शशिकांत पांडे, आनंद विशारद, मेघा सुप्रिया, शिवानी, श्यामा कुमार, मुकेश कुमार इत्यादि समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट।